चलो दोस्तों, तो अब चल रहे हैं भाई एलवीएम मैनेजमेंट के तरफ। एलवीएम स्टैंड फॉर लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों ये, है ना। एलवीएम पढ़ने जा रहे हैं अब हम। एलवीएम स्टैंड फॉर लिख देते हैं भाई यहाँ पर, एल लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर, ठीक है। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्यों आया मार्केट में, मैं आपको पहले समझाता हूँ। देखो, अगर आप किसी हार्ड डिस्क के ऊपर ना पार्टीशन वगैरह बना रहे हो, ठीक है, तो उस पार्टीशन का साइज आप इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर पा रहे हो, ये ड्रॉबैक है। तो एलवीएम ने उस ड्रॉबैक को रिकवर किया और कहा कि आप डायरेक्ट हार्ड डिस्क के ऊपर पार्टीशन मत बनाइए, आप नंबर ऑफ हार्ड डिस्क को पहले कलेक्ट करिए, है ना, एक ग्रुप में डालिए, और जब नंबर ऑफ हार्ड डिस्क आप कलेक्ट करेंगे तो ग्रुप का साइज बड़ा बन जाएगा और उस ग्रुप से फिर आप पार्टीशन बनाइए। समझाता हूँ, थोड़ा वेट करो। मतलब हमारे पास मान लो एक हार्ड डिस्क है, हमारे पास एक हार्ड डिस्क है, देखो ये एक हार्ड डिस्क हमारे पास है भाई, डैव एसडीए, है ना। ये हार्ड डिस्क हमारे पास 10 GB की है, ठीक है। ऐसी हमारे पास एक दूसरी हार्ड डिस्क है डैव एसडीबी, ये हम भी हमारे पास 10 GB की है ना। ऐसी तीसरी हार्ड डिस्क हमारे पास है, तीसरी हार्ड डिस्क हमारे पास है यहाँ पर डैव एस डी सी, ये भी 10 GB की है ना। तो ये तीन हार्ड डिस्क हमारे पास हो गई। अब ये कहते हैं कि तीनों हार्ड डिस्क को आप पहले फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट कीजिए। ये फिजिकल वॉल्यूम तो है, लेकिन अगर आप इसको पीवी में कन्वर्ट करते हैं तो इसका एक मेटा डेटा क्रिएट हो जाता है। आप तीनों ये तीनों हार्ड डिस्क को डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर इसका एक मेटा डेटा नहीं बनेगा, है ना, कि भाई कितने इसके सेक्टर हैं, ये सारी चीज़ें। एक लॉजिकल इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये मेटा डेटा रखना होता है, बाद में आपको एक काम आता है कि भाई कभी करप्ट हो गया तो बैकअप पर्पज है। तो अभी सिर्फ इतना ही समझो। तो कहा जाता है कि पहले आप इनको पीवी में कन्वर्ट करिए, जिसको कहते हैं फिजिकल वॉल्यूम। फिर आप क्या करिए, वीजी बनाइए, है ना। तो वीजी आप बनाते हैं, जब आप वीजी बनाएंगे, वीजी स्टैंड फॉर होता है वॉल्यूम ग्रुप। तो ये हमने एक वीजी बनाया और ये वीजी क्या है, कंटेनर की तरह काम करता है, है ना। ये तीनों हार्ड डिस्क आप वीजी में ऐड कर दीजिए। तो जब तीनों हार्ड डिस्क आपने वीजी में ऐड कर दिए, तो आपके वीजी का जो साइज है वो 30 GB का हो गया। तो ये 30 GB का एक स्टोरेज बन गया, ठीक है। अब आप एलवी बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल वॉल्यूम। तो मान लो अगर आपको 12 GB पार्टीशन की नीड होती है, तो आपने क्या किया, इसमें से ऐसे आपने 12 GB का स्पेस ऐसे काटा, ठीक है, ये 12 GB है, और आपने एक लॉजिकल वॉल्यूम बना लिया। इसको एक नेमिंग कन्वेंस आपने दे दिया है, एक नेमिंग कन्वेंस आपने दे दिया भाई एचआर टीम, है ना, एचआर के लिए बनाया। तो ये एक एचआर टीम क्या है, एक पार्टीशन निकल के आ गया, लेकिन अब लॉजिकल वॉल्यूम है, 12 GB का है, ठीक है। और जिसमें इस एलवीएम में एक फायदा और है कि आप पार्टीशन का नेम अपने हिसाब से डिफाइन कर पा रहे हैं ना, एचआर टीम, वो डैव ऐसा करके नहीं आएगा। तो 12 GB का आपने बना दिया, और कल को मान लो आपको 12 GB से ज्यादा की जरूरत चाहिए, तो आप यहां से एक्सटेंड कर सकते हैं, और 12 GB की जरूरत नहीं है, 5 GB, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, साइज को रिमूव भी कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से, है ना। तो ऐसे समझो जो गूगल ड्राइव वगैरह में आपको स्पेस मिलता है ना 15 GB का, वो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट पीछे में लगा रहता है, है ना। आपको फ्री 15 GB मिला, फिर आपने $100 पेमेंट किया, तो उसने 100 GB और बढ़ा दिया पीछे से एक्सपायर्ड। ऐसे कोई बंदा बोलता है कि अब मुझे यहाँ पर 35 GB चाहिए, तो देखा जाएगा, पहले देखेंगे आपके कंटेनर में क्या 35 GB साइज है स्टोरेज में, तो भाई 35 GB तो नहीं है, कितना स्पेस खाली है, सिर्फ 18 GB खाली है, अब क्या करें भाई। तो आप उस केस में क्या करते हो, पीछे आप फिजिकल वॉल्यूम एक और लगाते हो, है ना, एक हार्ड डिस्क आपने और लगाया SSD, इसको भी पीवी में कन्वर्ट किया, अब मान लीजिए ये आपके 100 GB का है, ठीक है, और आपने क्या किया, इसको फिर आपने इस वॉल्यूम ग्रुप में ऐड कर दिया। जैसे वॉल्यूम ग्रुप में ऐड किया, साइज बढ़ गया। ये हार्ड डिस्क आपका जो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, कंपनी के अंदर क्या होता है कि एक रैक्स होते हैं, है ना, रैक में लगाते हैं सारी हार्ड डिस्क। तो अगर आपका स्पेस खाली होता है, तो आप मार्केट से हार्ड डिस्क खरीद के लाते हो, रैक में पुट करते जाते हो और वॉल्यूम ग्रुप में ऐड करते जाओगे। तो भाई 100 GB बढ़ गया, तो अब मैं 35 GB का बना सकता हूँ। तो मैंने अब क्या किया, 35 GB का यहाँ बनाया,
और 35 GB का मैंने ये बनाया, ठीक है। ये क्या बना भाई, लॉजिकल वॉल्यूम, इसका नाम मैंने दे दिया भाई एडमिन टीम। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने नीड के हिसाब से क्रिएट करते जाते हैं। अब कल को लगता है भाई ये फिर फुल हो गया, एक और स्टोरेज लगाया ऐड कर दिया, कल लगता है भाई फिर फुल हो गया, एक और स्टोरेज लगाया ऐड कर दिया। तो अब आप डायरेक्ट हार्ड डिस्क के अंदर जाके पार्टीशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, हार्ड डिस्क को पहले आप वॉल्यूम ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर वॉल्यूम ग्रुप से आप लॉजिकल वॉल्यूम बना रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो एलवी बन रहा है आपका, एलवी लॉजिकल वॉल्यूम, इसको आप ना किसी को शेयर भी कर सकते हैं, इस पार्टीशन को, है ना। वो शेयर कैसे करते हैं, स्कैजी के थ्रू शेयर करते हैं, एनएफएस के थ्रू शेयर किया जाता है, वो चीज़ें एडवांस हो जाती हैं। बट ये पूरा खेल जो हो रहा है ये एलवी की वजह से हो रहा है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये मेरे लिए, और मेरा फेवरेट भी है, ठीक है। तो अच्छी लैब हमने इसके ऊपर करनी है, ठीक है। तो चलो लैब की तरफ चलते हैं। तो भाई साहब क्या करते हैं, 3 हार्ड डिस्क ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो 3 हार्ड डिस्क लेते हैं। हार्ड डिस्क को लेने से पहले भाई देख लेते हैं कुछ माउंटिंग वाउंटिंग तो नहीं है, नहीं तो फिर वो कंट्रोल डी का एरर आएगा और हमारा टाइम खाएगा ये। तो हमने अनमाउंट किया पार्टीशन 1 को, हमने अनमाउंट किया, ठीक है। और FS टैब के अंदर हम गए और ये एंट्री भी हटा दी हमने। उसके बाद हमने माउंट हाइफन ए किया, ठीक है। और सॉरी, और जाके 3 हार्ड डिस्क लगाते हैं फटाफट। पार्टीशन वगैरह बना हुआ है तो उसको भी डिलीट कर देते हैं एक बार। एक काम करते हैं, पूरा हार्ड डिस्क से डिलीट करके नई हार्ड डिस्क 3 लगा लेते हैं, ठीक है। तो लैब हमारी हो जाएगी। तो भाई ये हार्ड डिस्क था, इसको पहले रिमूव करो। अब नया हार्ड डिस्क लगाते हैं, ठीक है। 10 GB की 3 लगा लेते हैं। तो हमने क्या किया, 10, नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया। एक और लगा लेते हैं, एक और लगा लेते हैं, ठीक है। हो गया 3, ओके करते हैं। और एक बार आपको रिबूट करने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, दोस्तों ये रीबूट होने में बहुत टाइम ले लेता है, हमारा 1 से 1.5 मिनट तो यही खा जाता है। तो चलो चलते भाई, नॉट लिस्टेड रूट, तो यहाँ पे चलते हैं भाई LSBL के कर लीजिए। तो 3 हार्ड डिस्क देखिए आ गई, 10 GB की, ठीक है।
अभी पीवीएस करते हैं तो कोई एक ही पीवी बना हुआ है ना, वो रूट पार्टीशन का भाई इसको छोड़ दीजिए, एक ही पीवी बना हुआ है। वीजीएस करते हैं एक ही वीजी बना हुआ है, और एलवीएस करते हैं तो एक ही वीजी बना हुआ है, पहले से बना हुआ है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ भाई, मुझे अपना पीवी बनाना है, तो कैसे पीवी बनाओगे आप, है ना। पहले अपनी हार्ड डिस्क की लिस्ट कर लीजिए आप एलएसबीएल के, उसके बाद पीवी बनाने की कमांड होती है पीवी क्रिएट, ठीक है। हाइफन वी करेंगे तो मेटा डेटा दिखा देगा पीवी बनने के बाद। तो हमने बोला एसडीबी, ठीक है, एसडीबी हार्ड डिस्क हमने ऐड कर दिया, ये देखिए बन गया। तो बता रहा भाई फिजिकल वॉल्यूम सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, है ना। और अगर आप यहाँ पर पीवी डिस्प्ले करते हैं तो इसका मेटा डाटा भी आपको दिखाएगा। तो ये मेटा डाटा की इन्फॉर्मेशन मैं आपसे बात कर रहा था, ये जो ये देखिए पूरा मेटा डाटा आ गया, पीवी साइज ये है, है ना, पीवी यूआईडी। तो ये मेटा डाटा है दोस्तों। फिर देखो आगे जब नेक्स्ट प्रोसेस होगा तो पीवी साइज टोटल पी ये भी फिलअप हो जाता है। ऐसे अगला पीवी बना लेते हैं, ठीक है। तो आप कैसे देखेंगे, एक पीवीएस शॉर्टकट भी देख सकते हैं, ये देखिए बन गया। अब अगला पीवी बनाते हैं भाई, पीवी क्रिएट एसडीसी, ठीक है। और अगर वी नहीं लगाते तो एकदम साइलेंट तरीके से बना के देगा, दिखाएगा आउटपुट बट उतना नहीं। ऐसे पीवीडी, तो तीन पीवी बन गया, पीवीएस करिए देखो तीन आ गया, ठीक है। ये कह रहा है भाई तीनों 10 GB का है, और अभी किसी भी वीजी का पार्ट नहीं, देखो ब्लैंक आ रहा। अब बनाएंगे आप वीजी, तो हमने बोला वीजी क्रिएट, वीजी का नाम हमने दे दिया वॉल्यूम कंटेनर, ठीक है, वॉल्यूम कंटेनर हमने दे दिया। उसके बाद भाई कितनी हार्ड डिस्क ऐड करनी है, तो हमने एक हार्ड डिस्क ऐड कर दिया डेव वीडीबी, ठीक है। और हार्ड डिस्क ऐड करनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एसडीसी, तो दो हार्ड डिस्क हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया। तो जब आप वीजीएस करते हैं तो देखिए बता रहा है कि भाई ये आपका कंटेनर है, दो पीवी ऐड है ना, एलवी एक भी नहीं बना हुआ, और ये साइज है। और अगर आप पीवीएस करते हैं तो यहाँ पे बता रहा है कि भाई एसडीडी इस किसी का किसी भी वॉल्यूम ग्रुप का पार्ट नहीं है। अब आपने मान लो ये भूल गए थे, अब दोबारा ऐड करना है तो कैसे करोगे, तो दोबारा ऐड करना है तो फिर आप कमांड चलाओगे वीजी क्रिएट, नहीं चलाओगे वीजी एक्सटेंड चलाओगे, आप क्या चलाओगे वीजी एक्सटेंड, और अपना वीजी कंटेनर का नाम वॉल्यूम ग्रुप का नाम लिखिए जो भी है, और उसके बाद डैब जो आपने भूल गए थे एसडीडी, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमने वीजीएस किया तो साइज 30 GB हो गया, पीवीएस किया तो ये भी कंटेनर का पार्ट बन गया। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं भाई एलवी कैसे बनाते हैं, तो हमने किया भाई एलवीएस, तो एलवी बनाएंगे भाई एलवी क्रिएट हाइफन कैपिटल एल, साइज हमने लिखा भाई हमें बना दे 12 GB का, हाइफन एन एलवी का नाम लिखे भाई, हमने बोला वॉल्यूम, हमने बोला माई एलवी, कौन से कंटेनर से उठाए वॉल्यूम कंटेनर से, एंटर किया बन गया एलवीएस करिए 12 GB के आ गया। अब देखिए बता रहा है कि भाई है ना ये वॉल्यूम ग्रुप है और ये एलवी का नाम। अब इसको फॉर्मेट कैसे करेंगे, सेम तरीका है, एम के एफ एस स्पेस माइनस टी, फाइल सिस्टम आपने ext4 लिया, डैव। अब डैव के बाद क्या आएगा, वॉल्यूम ग्रुप का नाम आएगा, क्योंकि वॉल्यूम ग्रुप का क्या नाम है, वॉल्यूम कंटेनर, है ना, वॉल्यूम कंटेनर, ठीक है। वॉल्यूम उठा ले भाई, क्या कर रहा है, कोई नहीं हम इसे लिख देते हैं वॉल्यूम कंटेनर, ठीक है। अब उसके बाद आएगा आपका एलवी का नाम माई एलवी, ठीक है, एन एंटर। तो ये देखो फॉर्मेट हो रहा है, और जब फॉर्मेट हो गया तो आप यहाँ पर बीएलके आईडी करेंगे तो ये देखिए बीएलके आईडी में आ गया, है ना, ये देखिए पूरा आ गया। अब एक डायरेक्टरी बना के इसको माउंट करते हैं mkdir, और हमने बोला lv1 नाम के फोल्डर पे माउंट करेंगे, तो वही है भाई माउंटिंग के प्रोसेस वही है, fs स्टेप में जाइए आप, और यहाँ जाके पूरी एंट्री मारिए आप डैव या uid लिखे ज़्यादा बेस्ट होगा, पहले वॉल्यूम कंटेनर आएगा नाम, फिर आपका आएगा माई lv, ठीक है, फिर आपका आएगा भाई lv1 फोल्डर जहाँ माउंट कर रहे हो, फिर आपका ext4,
फिर आपका यहाँ पे आएगा डिफॉल्ट्स, फिर आएगा आपके यहाँ 0.0, और उसके बाद सेव करके बाहर आ जाइए, माउंट हाइफन ए कर दीजिए, ठीक है। अब df हाइफन h कीजिए, देखिए ये 12 GB माउंटेड। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे 15 GB चाहिए, तो आप क्या करोगे, सिंपल तरीका है एलवी एक्सटेंड, ठीक है, एलवी एक्सटेंड डैव वॉल्यूम ग्रुप, ठीक है, एन एंटर। अब बताना पड़ेगा भाई कितना एक्सटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको। तो हमने बोला माइनस कैपिटल एल, हमें 3 GB और बढ़ा दे इसमें, ये लो लो, तो देखो एक्सटेंड हो गया। आप एल वी एस करिए 15 हो गया, डी एफ हाइफन एच करिए तो क्या बोल रहा 12, क्योंकि भाई 3 GB जो और एड हुआ है, इसमें फाइल सिस्टम तो असाइन नहीं है ना, तो फाइल सिस्टम कैसे असाइन करेंगे। अब फाइल सिस्टम असाइन के लिए कमांड चलेगी रीसाइज टू एफ एस डैव, फिर वही सारी चीजें है ना, ये देखिए। तो अब डी एफ हाइफन एच करिए तो ये देखिए हो गया, तो समझ आ रहा है आपकी चीज है ना। अब बात आती भाई 15 से 8 GB लेके आना है, तो एल वी रिड्यूस चल जाएगा, हाइफन कैपिटल आर, हमने बोला एक काम करो 7 GB माइनस कर दो इसमें से, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर एक और चीज लगाओ हाइफन आर, हाइफन आर यहां पे क्या करेगा, रिड्यूस तो करेगा, फाइल सिस्टम को भी रिसाइज कर देगा, है ना, ये काम करता है। तो जब आप रिड्यूस कर रहे हो तो यहां पे लगा लीजिए, फायदे में रहेंगे। तो यस पूछा उसने, हमने बोला यस, ठीक है। और आप एल वी एस करिए तो 8 GB पे आ गया, डी एफ हाइफन एच करिए तो 7 GB पे आ गया, है ना। हाँ एक चीज और है, जब आप उसको एक्सटेंड कर रहे थे ना, तो वहां पे भी आप आर लगा सकते थे, अगर वहां पे आर लगाते तो फिर आपको रीसाइज टू एफ एस करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आर का मतलब क्या है कि वो साथ के साथ फाइल सिस्टम को रिसाइजिंग कर देगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और आपको समझाता हूं, अगर आपने यहां पर भाई एल वी एक्सटेंड लिखा जैसे, है ना, एल वी आप एक्सटेंड कर रहे हैं, अगर आपने हाइफन कैपिटल एल, एक तरीका ये है कि भाई आपने बोला प्लस 10 GB कर दो, है ना, एक तरीका है कि आपने प्लस नहीं लिखा, सीधे 20 लिख दिया, इसका मतलब जितना भी होगा वो 20 सेट करके दे देगा, बस 8 GB होगा तो वो 12 ऐड कर देगा, मतलब आप कोई स्पेसिफिक बता नहीं रहे हो कितना ऐड करो, वो अपसेट करवा रहे हो प्रकार से, ना हाइफन आर। तो देखो हाइफन आर भी आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो देखो फिर मुझे रिसाइज टू एफ एस अब नहीं करना पड़ेगा अगर मैं हाइफन आर लगा देता हूँ, ठीक है, समझ आ गई। ऐसे मुझे भाई घटाना है तो मैंने बोला एल वी रिड्यूस, है ना, हाइफन कैपिटल। अब मैं मुझे जैसे 5 GB करना है तो मैं क्या करूँ, 15 माइनस कर दूँ, है ना, या फिर मैं सीधे 5 लिख दूँ, तो 5 लिख दे तो जितना भी है वो होगा, जितना भी है अभी वो 5 करके दे देगा, माइनस आर किया तो रिसाइज टू एफ एस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए तो आपने यहाँ पे एलवीएस किया तो ये देखिए 5 GB हो गया, डीएफ हाइफन एच किया यहाँ पर भी अपडेट हो गया। अब मैं इससे भी एक बढ़िया कमांड दिखाता हूँ आपको, एलवी एक्सटेंड और एलवी रिड्यूस कुछ भी चलाने की जरूरत नहीं, एक कमांड याद रख लीजिए बस, एलवी रीसाइज। ये अपने आप कंडीशन को देखकर एक्सटेंड कर देगा, कंडीशन को देखकर रिड्यूस कर देगा। तो मैंने बोला मुझे एलवी रिसाइज कर दो, हाइफन कैपिटल एल, 25 GB चाहिए मुझे, हाइफन आर, तो ये अपने आप देखेगा अगर मेरा एलवी 5 GB का है तो 20 ऐड कर देगा, है ना, अपने आप वो अंडरस्टैंड कर लेता है, मैं कुछ लिखा नहीं हूं कि एलवी एक्सटेंड करो, अपने आप कर दिया देखो इसने। तो सबसे बेस्ट होता है एलवी रिसाइज। ऐसे ही अगर मैंने एलवी रिसाइज किया, है ना, अब एक और दिखाता हूं, एलवी अगर मैंने रिसाइज किया यहां पर, एलवी रिसाइज माइनस कैपिटल, मैंने 8 लिखा हाइफन आर, तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता भाई कि घटाएगा कि बढ़ाएगा, मैं तो अपनी डिमांड लिख दिया ना, ये देखो घटने वाली बात आई तो इसने घटा दी, बढ़ने वाली बात आई तो बढ़ा दी। तो आपको एलवी रिड्यूस एलवी एक्सटेंड आप स्किप कर दीजिए, सिर्फ एलवी रिसाइज याद कर लीजिए, बात खत्म, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी, और मैं देखता हूं भाई कितना मिनट हो गया वीडियो का, 19, चलो देखते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूं,
देखो जब आप एल्वियम बनाते हैं, है ना, कि ये वाला वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। एक काम करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ और एल्वियम का एक दूसरा वीडियो और बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो आपको सुनने में देखने में बोरिंग लगेगा। तो इतना करिए प्रैक्टिस, ये सारी कमांडें पड़ी हुई हैं, ठीक है। जस्ट 2 मिनट के बाद एल्वियम पे आगे चलते हैं, बट वीडियो अलग होगा, इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलो दोस्तों, बाय बाय।